अस्सलाम वालेकुम। अभी मैं जा रही हूँ एक फंक्शन में, कल जा रही फंक्शन में गुजरात, तो वहाँ पे जा रही हूँ फंक्शन है, तो वहाँ पे जा रही हूँ, बाद में जाके बताऊँगी। और कुछ शॉपिंग करने आई हूँ अभी मैं, और मैं यहाँ से पहले बहुत ज़्यादा काफ़ी कपड़े लेती हूँ, है ना मैं? बहुत ज़्यादा कपड़े लेती थी, अब तो मेरा चली गई करके थोड़ा कम लेती हूँ, नहीं तो ये फिक्स दुकान से लेती। ये तीन जोड़े मैंने कपड़े, और कैसे लगे बताना मुझे। हाँ, और ये दुकान है थाइसर में ना भाई, थाइसर स्टेशन के थोड़ा आगे है ना, और ये मेरी फेवरेट दुकान है। अपनी तो अच्छा काम करती है, लंबा हिस्सा है इसके लिए, लेकिन आज इधर ही रिटर्न कपड़ा लेने आया मैं। ऊपर ऊपर वो दूल्हे लोग का वो क्या बोलते हैं उसको, पगड़ी शेरवानी 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 साफा वगैरह सब है ना, कोट पैंट वगैरह सब है सारा कलेक्शन। कलेक्शन भी बहुत अच्छा अच्छा गुजरात किधर जा रही होगी बाद में आगे के ब्लॉक में बताऊंगी। हाँ चलो बाय बाय। इनका नंबर ले लेना, मैं तुम्हारा मेरे को नंबर दे दूँ। तो अभी कुछ कपड़े भी लिए हुए हैं, और इसमें भी है टोटल कितने ड्रेस हो गए? 11 ना? 10 हो गए ना? नहीं, हाई ऑफ हो गए तो थोड़ा उधर क्या पूजा करने जा रहे ना? और मैं अच्छा पूजा इधर रखेंगे, गांव में कुछ विधि तो रहती है जो करना पड़ता है, गाँव में सब यहाँ पे रहता है। 24 तारीख सोमवार को यहाँ पे मिठाई लेने के लिए शम्स मस्जिद के इधर उस्मान सुलेमान वाले की तरह नया नगर इधर ले ले, और अभी हम लोग खा रहे हैं यहाँ पे सब मिठाई ना, जब पहले लोग अपने मिठाई लेते खाने को टेस्ट कर फिर हम लोग मिठाई लेके जाते हैं। और मेरा फेवरेट कलाकार तो पहले ही देखो लोग निकाल के देते हैं, क्या वो आप क्या कर रहे हैं ना, बोले हम लोग नापा और एक दूल्हा माया, एक तो ये दूल्हे राजा, ये दूल्हे राजा की हो गई शादी अभी। हाँ जामुन की मिठाई भी डाले हैं, क्योंकि ये जितनी मिठाई है ना सब ऐसा डिश में पहले आती, तो पहले बच्चे लोग देते कि भाभी पहले ये तुम टेस्ट करो कैसे डाले, अच्छी है ना। हाँ और जो सब अच्छी अच्छी मिठाई है, उस्मान सुलेमान तो नामचीन मिठाई है आपको पता ही है, वो सब ड्राई फ्रूट वाली भी हो, तो मैं ले रही हूँ ड्राई फ्रूट वाली मिठाई, और ले रही हूँ मैं क्या मैंगो वाले हलवा है ना, लाले खाले अंजीर वाले जामुन वाली। अभी मैं आई हूँ सबा कलेक्शन में कपड़ा लेने, लाले थोड़ा लो तो ऐसा दोनों ना,
और मीरा रोड में सपा कलेक्शन में कलेक्शन भी बहुत अच्छे अच्छे मिलते हैं ना। शांति नगर शांति नगर में, ये भी पूरा शांति नगर है। हाँ। अभी के और अभी देख रहे हो, और भी कल जाने का और भी कपड़े देख रहे हो अभी। ये गाउन देखी थी लेकिन लाले बहुत हेवी हो जाएगा, बहुत हेवी है। और बच्ची भी बहुत लंबा है, तुम वो देखो कहाँ जा रहे हो। कपड़े तो और भी ले, और भी ले, लाइट वेट ले लो। ऐसा लगता है किसी के साथ जा रही तो बैठ जाइए। और ये है हमारा सभा कलेक्शन। एक ये लहंगा देखे है, बहुत प्यारा लग रहा है ना। लाले की तबीयत खराब है तो आग देखो लाल लाल हो गई। बस बताओ उसका ऊपर का टॉप। ये देखो इसका दुपट्टा भी बहुत प्यारा है, है ना। और ये सभा कलेक्शन है ना, एकदम प्यारे प्यारे कपड़े। ये देखो, और मैं यहाँ पे ज़्यादातर कपड़ा यहाँ से भी लेती हूँ मैं, यहाँ सभा कलेक्शन। और किसी को गिफ्ट भी देने करेगा तो यहाँ से लेती हूँ। थोड़ा कॉस्टली रहता है लेकिन कपड़ा बहुत अच्छा रहता है ना। तो कपड़ा ले ली मैंने, अब क्या करेंगे। सभा बुटीक ये इतनी दुकान से कपड़े लेते नाम ही भूल जाते। अरे ये भाई, अरे मेरी लाले। अरे हमारी तो केजीएन महिला मंडल ये सभी आपा है, रीना है, हीना है, मंसूरी आपा है, फातिमा आपा है ना। और फिर दो से हमारी, और इधर इकरा है, रुखसार है, समदन है ना। और जायदा है, वायदा है, सब लोग है इधर देखो। काजल है, सब है हमारी केजीएन महिला मंडल इधर ही खड़िया देखो। और ये मेन पोसला ले अच्छी के भाई हूँ। हाँ तो और ये भाई कैसी बताना जरूर। हमारे भाई भाभी ए बेटा, हम लोग का नाम क्या है, हम लोग को क्या बोलते हैं जल्दी बता, हम लोग का नाम क्या है, क्या बोलते पठाना। देखो बच्चे को भी लाले का नाम मालूम है बरोबर से, पठाना। और ये लोग आए रहे हैदराबाद से। और इधर ना, मैं कौन हूँ। अरे वो यानी बच्चे लोग के भी जवान का नाम है। हैदराबाद की पार्टी है, वहाँ के नगर सेवक है माशाल्लाह। और भाई का रेस्टोरेंट वगैरह भी है, तो अभी ये भाई को रेस्टोरेंट यहाँ मुंबई में भी खोलना है, तो उसके लिए वो विजिट पे आए थे भाई। और हम लोग से मुलाकात की, हम लोग को बहुत अच्छा लगा, भाई भाभी है। और इंशाल्लाह हम लोग भी बरसात जाएंगे हैदराबाद, तो वहाँ भाई के घर पे जाएंगे और इंशाल्लाह वहाँ मुलाकात करेंगे। भाई कौन सी पार्टी से तुम हैदराबाद? कौन सी? यस यस। और माशाल्लाह भाई का हैदराबाद में बहुत अच्छा होल्ड है ना। हाँ माशाल्लाह बहुत अच्छा है। हम लोग तो फर्स्ट टाइम मिले अभी, लेकिन इंशाल्लाह जब हैदराबाद जाएंगे तो वापस मिलेंगे है ना, फिर मिलेंगे हम ना भाई। और ये भाई हमारे इधर के नगर से, हैदराबाद के आपके नगर से लेके। हाँ वो गांव कौन सा गिरता भाई उधर? जहराबाद। जहराबाद है ना, नाम का प्यार से बोलता ना। अभी हम लोग जा रहे हैं गुजरात, सरप्राइज आ रहा है ना दादा, वहाँ पे जाके बताएंगे क्या सरप्राइज है। और सामान लेके जा रहे कुछ, ये हाथ की पोछी है, और ये लाले ने अंगूठी लिए, और ये कुछ कपड़े लिए ले जिधर जा रहे हो उधर। और ये सब कपड़े हैं, ये लाले ने लिए ले कपड़े, इसमें के लाले के और मेरे भी कपड़े। कुछ मिठाई ली हूँ, कुछ दागिना ली हूँ, कुछ कपड़े ली हूँ। और अभी कुछ सामान और लेने का, थोड़ा बहुत रास्ते में से अगर किधर गाड़ी रुकेगी तो ले लूँगी, क्योंकि इधर इतनी बारिश हो रही है ना कि कुछ हम लोग शॉपिंग नहीं कर पा रहे। अब जितना हो सका उतना लिए, अभी बाद में आगे रास्ते में देखते और आगे का ब्लॉग आप लोग को बताते रहेंगे कि हम लोग कहाँ जा रहे करके, है ना। जब वहाँ पर जाएंगे तो एकदम सरप्राइज है कहाँ जा रहे करके। आया है कुछ लेके, पता नहीं क्या लेके आया है।
जाने के लिए ना चलो बारिश तो इतनी है कि हम लोग कुछ शॉपिंग नहीं कर पाए बताओ गाड़ी में बेचारा बड़ा दामाद का अकेला बैठ रहा है साढ़ा सफर हो दमाज पड़ गया ये बाजू कर पीछे अरे ऐसा नहीं ये ऐसी पीछे नहीं होती वो नीचे से करना पड़ेगा वहाँ ज्यादा मानेगा बोल बोल भाई चालू है वीडियो मामा बोले मामा की बारी है कभी देखा बोलते हुए भी अपने केस में बोलता भी है सलाम अलैकुम हम लोग होटल पे रुके कुछ खा पी लेंगे थोड़ा नाश्ता कर लेंगे भूख लगी है क्या तो लगी है। जिसको भूख लगी हाथ उठाओ मामा को लगी आपने जी खिला रहा हम लोग आज मेरा हाथ उठ गया लेकिन मस्त हो जाएंगे खाना खाने और मेरा पहले फेवरेट मंगाया इसमें दाल चावल तो मेरे को चाहिए ही चाहिए मैंने मंगाया दाल तड़का चावल और वेज होटल में खाना खा रहे तो मंगाया पनीर मटर पनीर मिक्स भाजी फिर तो लाले को छोड़ के सब वेज खाते हैं लाले गाड़ी में बैठे लाले की तबीयत नहीं अच्छी है बट वो गाड़ी में बैठे और आपको खा रहे खाना हम लोग जा रहे सूरत और अभी देखिए बारिश देखो इन 300 मीटर्स कीप राइट टू स्टे ऑन नेशनल हाईवे 48 बड़ा कर रही है क्या मालूम लोकेशन वाली आज लाले चुप है ना इसके लिए लोकेशन वाली औरत बड़बड़ कर रही है अंदर से ही वो बोल रही है लाले की जगह मैं संभालती हूँ आज Keep right to stay on National Highway 48. फिर इसने कुछ तो भी बोली अभी यार. Continue on National Highway 48 for 36 kilometers. अरे हम लोग बैठे हैं गाड़ी में और पीछे से देखो उन्होंने बेडरूम बना के रख दिए थे ये देखो सब कैसा सो रहे थे और बारिश तो बाप रे बाप बहुत बारिश है तब बारिश में भी हम लोग जा रहे हैं जाना पड़ रहा है लाले की भी तबीयत बहुत ख़राब है फिर जाफर भाई आते हैं इसके लिए हम लोग को भी जाना पड़ता है जाफर भाई मेरे हर एक फंक्शन में आते हैं ना लाले लाले आप कुछ बोलोगे इधर कोई इतना भी बड़ा कोई तोफान रहता तो हर चीज़ में यहाँ से देखे बोलो जाफर भाई के लिए तो जा रहे सही बात है हाँ जाफर भाई हर चीज़ में आते बराबर बेचारे तो हमारा भी फर्ज बनता है ना जाने का बारिश से तो कुछ भी नहीं दिख रहा आगे आप भी कैसा गाड़ी चला रहे क्या बात है भाई पीछे जा
जब वो आता है छा जाता है Thank you.
ले कुरला बारूद आ गया अंदर भाई भाभी कहाँ गई बारूद मतलब डॉन लोग के घर पे बैठे तो बारूद खाने का लाजिम लाजिम भाई लोग की दोस्ती करते तो सब कुछ खाना पड़ेगा भाई आए क्यों दिन बाढ़ ले सब आ जाओ बच्चे लोग किसको आ जाओ देखने का आ जाओ आप वो वेब ले ले नहीं खींचेंगे ना तो पकड़ लेने का खींचो खींचो बोल खींचो खींचो तू खींच मेरी फोटो वेब मांग रहा क्या ये अपना ही तुम्हारा ही एरिया है हॉलीवुड हैदराबाद का बाढ़ ले बड़ी बहन मस्त भाई मेरा मार्च में सही है ये हम दोनों भाई जबर भाई आओ ना वाइट एंड ग्रीन इधर 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 जबर भाई तो भाई के बॉडी का और भी जानते हमारी बहन बुखार में भी होके खड़े हैं बोलो बहुत बड़ी बात है मुंगी यहाँ आगे ब्लॉग है ब्लॉग में ये जाफर भाई की वाइफ है और जाफर भाई की बेटी माशाल्लाह बेटी तो बहुत प्यारी है और आज इसका बर्थडे था हम लोग बर्थडे में बहुत इंजॉय करे और बहुत मजा भी आया खाली लाले की थोड़ी सी तबीयत खराब थी इसके लिए लाले इतना एंजॉय नहीं करे लेकिन हम लोग तो एंजॉय करे थे क्या बात है यहाँ से जा रहे अभी सूरत अभी अपने किधर है भाई ये साइन गांव साइन गांव में अभी ऐसे जा रहे अभी हम लोग बेल गाय बेल सब रोड पे बैठी थी और बाजारे से भी नहीं उठ रही थी रास्ता जाम करके एकदम और यहाँ का मैं रोड बताती हूँ थोड़ा और ये रोड भी देखो कितना सुमसाम यहाँ आने के टाइम पे कितना सुमसाम आगे जा रही है जाफर भाई की गाड़ी और ये हमारी गाड़ी सिर्फ इतने सुमसाम रोड पे हम लोग ही चाहे
कोई बदनाम है कोई, किसको खबर कौन है वो लाले है। हाँ लाले गाना गा रहे, लाले गाओ गाओ गाओ। अरे मेरी इसी बजी पड़ी है, गाना थोड़ा तो गाओ। सो गया ये जहां, सो गया आसमां, सो गई है सारी मंजिले, ओ सारी मंजिले, सो गया है रास्ता, सो गया ये जहां, सो गया आसमां, सो गई है सब साथ में गाओ, मंजिले ओ सारी मंजिले, सो गया है रास्ता, सो गया ये जहां। लो खाना खाने रोज गार्डन है ना, हाईवे पे ही है अहमदाबाद हाईवे पे ना, नहीं अहमदाबाद ये बॉम्बे हाईवे और अहमदाबाद हाईवे, उस तरफ जाएंगे तो अहमदाबाद सूरज के आसपास, सूरज के आसपास, सूरज और ऑरेंज के बीच में जा रहे खाना खाने रोज गार्डन है ना, हम लोग जो होटल में आए थे वो होटल में इतने प्यारे प्यारे खरगोश सब है, बहुत सारे गए, ये दिख रहे कम है अपने वो बदक वो सब सब इधर देखो, गार्डन तो कहीं बहुत बड़ा है, देखो बदक के नजदीक है, देखो ये बता खरगोश भी ऐसा ही चुका, खरगोश लोग बहुत प्यारे प्यारे का ऐसा मन कर रहा है कि उठा के लेके जाओ, कबूतर है खरगोश सब खाना खा रहे, अभी हम लोग तो खाना खा के आ गए, अभी इन लोग खाना खा रहे, साढ़े बारह बजकर अब हम आए होटल शिमला चाय पीने के, और हमारी बहन का बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं क्योंकि तबीयत खराब होने के बाद भी भाई की बेटी के बच्चे में शामिल हो गए, और भाई को देख के थोड़ी तबीयत ठीक हो गई है, देख के कल से तो मरीज हो गए थे, और हमारी पूरी टीम भाई लोग खड़े इधर, आबिद भाई तो कल आएंगे।
आइसक्रीम ही खा नहीं आएगी, नहीं आएगी वो सामान्य पीछे सब लोग आ गए बॉम्बे। और ये पानी देखो, हाईवे पे कितना पानी है, देखो पूरा पानी पानी भरा है। जैसे कि हमारी गाड़ी चल रही है तो पानी कितना हो रहा है, बहुत पानी। आपकी गाड़ी ऊंची है ना, इसके लिए। तो हम लोग आ गए सूरत जाके, कोसंबा गए थे, कोसंबा सूरत से आगे। तो जस्ट अभी आए, बहुत लेट हो गया रास्ते में, इतनी बारिश थी। जबकि सूरत से मतलब कोसंबा से समझो साढ़े चार घंटे में मोस्टली इंसान आ जाता है। हम लोग कितने घंटे में आए, 7-8 घंटे में। इतनी उधर बारिश, इतनी बारिश हद से ज़्यादा। अरे वो रात हो गई है ना, इतनी मतलब बहुत पूरी रास्ते में बारिश। सूरत में तो बारिश नहीं है, और मतलब वहाँ से हम लोग आए सूरत पार कर लिए, उसके बाद से बारिश इतनी लगी। जाने के टाइम पे भी बहुत बारिश थी, आने के टाइम पे भी बहुत बारिश थी। और जाना ज़रूरी था क्योंकि हमारे जाफ़र भाई की लड़की का बर्थडे था। तो जाफ़र भाई माशाल्लाह मेरी लड़की की मंगनी में भी थे, लड़के के इधर हम लोग गए तभी भी थे, और दोनों जगह पे। ये स्त्री वाले का कपड़ा देने बोल, इधर भी तक सूख गया रहेगा, बोलना है वो भी निकाल लो। अफरीदी की अम्मी को बोला बराबर निकालेंगे। तो कैसा लगा मेरा वीडियो बताना ज़रूर, और उस लड़की का बर्थडे था उसके लिए दुआ भी देना, मेरे भाई की लड़की को, ठीक है।